90s के सभी किड्स का सबसे फेवरेट सीरियल है। अब भी मैं जस्ट बोल रही थी कि मैं सारे गेस कर लूंगी एंड अब भी थर्ड कैरेक्टर ही मैं गेस नहीं कर पा रही हूँ। तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल वनशिप। कैसे हैं आप? एक बहुत ही अलग और बहुत ही डिफरेंट वीडियो लेकर के मैं फिर से आ गई हूँ। सो गाइस, आज का मेरा जो चैलेंज है वो इमोजी चैलेंज तो होने वाला है, बट आप लोगों ने जैसा कि टाइटल एंड थंबनेल देख लिया होगा, मैंने आज एक ऐसा सीरियल इंक्लूड किया जो कि 90s के सभी किड्स का सबसे फेवरेट सीरियल है। मतलब मुझे भी नहीं आता, शायद मैंने उसका रिपीट टेलीकास्ट वगैरह ऐसा कुछ देखा होगा, लेकिन जब भी स्कूल से आते थे तो आते ही सबसे पहले ये सीरियल देखना। मतलब बचपन का सबसे फेवरेट सीरियल था ये मेरा, एंड इवन अभी भी है, बहुत ज्यादा पसंद है। तो मैंने सोचा कि मैं मेरे फेवरेट सीरियल का इमोजी चैलेंज ना करूं, ऐसा कैसे हो सकता है। सो वेल गाइस, सबसे पहले तो आप लोग नीचे कमेंट में लिखे मुझे ये जरूर से बताएगा कि कितने लोगों का ये सबसे फेवरेट सीरियल है। मैजिक सीरियल की बात हो एंड शरारत ना हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। सो आज मैंने वैसा ही कुछ अलग यूनिक ट्राई करने की कोशिश की है, जो शरारत के बहुत सारे कैरेक्टर्स हम लोगों ने इंक्लूड किए हैं एंड उसी का मैं इमोजी चैलेंज करने वाली हूँ। वेल, मैंने ये सीरियल बहुत पहले देखा था और अभी तक तो मुझे, वैसे तो मुझे ये सीरियल इतना पसंद है कि मुझे लगता है कि मैं इसके सभी कैरेक्टर्स को जानती हूँ, लेकिन अभी भी फिर भी देखते हैं कि हम लोग इन्हें एज ए इमोजी गेस कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। सो आज मेरा चैलेंज यही होने वाला है, मैं अपने सारे कैरेक्टर्स देखने वाली हूँ अपने फोन में एंड आप लोगों को इमोजी शो होने वाले हैं आप लोगों की स्क्रीन पे। मुझसे पहले गेस कर लेते हो तो कमेंट में लिख के मुझे जरूर से बताना एंड वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड अगर आप लोगों में से जितने लोगों का ये सबसे फेवरेट सीरियल है उसे अपने दोस्तों के साथ, मेंबर्स के साथ एंड फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने बड़े भाई बहनों के साथ शेयर किया जाएगा, उन लोगों को ये चैलेंज बहुत अच्छा लगने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, सो जिसमें भी फर्स्ट कैरेक्टर शो हो रहा है उसमें फर्स्ट कैरेक्टर में एक, सब लोगों ने गेस कर लिया होगा, मैंने भी कर लिया है। सो इसमें एक मतलब ओल्ड इमोजी यूज किया है एंड वो भी लेडीज का है, एंड साथ में जैसे ही चुटकी एंड उससे निकलने वाला जादू हो जाए तो वो स्पेशली है नानी। वेल गाइस, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं शरारत से स्पेशल रिलेटेड 24 आवर चैलेंज करूं तो वो भी नीचे कमेंट में लिख के मुझे जरूर से बताइएगा। एंड उस 24 आवर चैलेंज में कि मैं क्या क्या इंक्लूड करूं, कुछ आपके आइडियाज है तो हैशटैग वनशिप करके नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा। मैंने अगर वो सब चैलेंजेस किए तो मैं आपको शाउट आउट देने की पूरी कोशिश करूंगी। अभी जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर पे। ओके गाइस, अभी जो इसमें नेक्स्ट कैरेक्टर है उसमें उसका नेम आर से चालू होता है, गेस कर ही लिया होगा क्योंकि बहुत ही लिमिटेड कैरेक्टर्स थे इसमें। वेल, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, साथ में कुछ एक लेडी बनी हुई है जो कि खाना बहुत अच्छा बनाती है एंड वही फिर से जादू आ गया है, सो है यानी कि राधा। वेल, ये चैलेंज मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं इसमें सारे ही गेस कर लूंगी क्योंकि मेरा सचमुच में बहुत ज्यादा फेवरेट सीरियल था। अभी जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर पे। गाइस, इसमें जो नेक्स्ट कैरेक्टर है उसमें कुछ एक लड़की है जो कि हाई कर रही है या फिर लड़की के लिए वो आया है एंड साथ में कुछ जी लगाया यानी कि ग से नहीं स्टार्ट हो रहा होगा, जी ग ऐसा कुछ, यस गयश गयश गैश गयश जीएस जीएस। अब भी मैं जस्ट बोल रही थी कि मैं सारे गेस कर लूंगी एंड अब भी थर्ड कैरेक्टर ही मैं गेस नहीं कर पा रही हूँ, हो क्या रहा है आखिर, कौन है जो गेस कर रहा है? नीचे कमेंट में लिख के मुझे भी थोड़ा सा हिंट दे दो। ओके गाइस, तो ये कैरेक्टर है जिया। वेल, मैं तो गेस नहीं कर पाई, लेकिन कैसे, क्योंकि हम लोगों ने या के लिए इन लोगों को वाई ए की स्पेलिंग आती ही नहीं है, जब भी इनको हमें कंफ्यूज करना होगा ये या की जगह पे लगा देंगे यस। सो अगली बार मैं इस चीज को जरूर से याद रखूंगी कि अगर यस आया है तो वो स्पेशली या के आया होगा। सो ये कैरेक्टर है जिया। अभी जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर पे। जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो सन बने हुए यानी कि सूरज। सो आई थिंक मैंने इसमें तो 1 सेकंड से भी कम का टाइम लिया होगा। सो सचमुच में इसी बात के लिए वीडियो का लाइक जरूर से कीजिएगा एंड अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके गाइस, इसमें जो भी नेक्स्ट कैरेक्टर है उसमें फिर से एक लड़की बनी हुई है एंड आई थिंक वो फिर से खाने के बाउल्स रखे हुए हैं, सो यानी कि वो बहुत अच्छा खाना बनाती है, बट अभी इसमें खाना बनाना सोमिता के लिए आई थिंक। ओ शांति, ओ माय गॉड, मैं कैसे भूल सकती थी, बाउल्स कटोरा देख करके शांति को समझ ही जाना चाहिए। और कितने लोग जिन्होंने सारे के सारे कैरेक्टर्स गेस किए नीचे कमेंट में लिख के मुझे जरूर से बताइएगा। कोई अलग स्पेशल चैलेंज की सीरियल की अगर डिमांड हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। एंड गाइस, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं 90s के स्पेशल सीरियल्स के भी और अलग इमोजी चैलेंजेस लेके आऊं, जैसे मैंने शक्तिमान का स्पेशल इमोजी चैलेंज किया था जिसमें मैं शक्तिमान के कैरेक्टर्स को इमोजी से गेस किया था, उस टाइप में अगर आप लोग चाहते हैं मैं और भी ये सीरीज चालू रखूं तो नीचे कमेंट में लिख के मुझे जरूर से बताइएगा। So friends, don't forget to subscribe, enjoy and bye-bye, wait for next video.